हाय एवरीवन, मैं महेंद्र पांडे आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूं जो कि ट्रिपल सी सिलेबस से है। तो आज का जो टॉपिक है मेरा फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी, जिसमें आज मैं आप लोगों को फ्यूचर स्किल्स के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चूंकि वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए हम दो पार्ट में इसको करके बताएंगे, एक में आपको ओवरव्यू फ्यूचर स्किल्स बताएंगे और एक में आपको साइबर सिक्योरिटी। तो फ्यूचर स्किल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इसके बारे में यदि आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाएगा तो आपको फ्यूचर स्किल्स से आने वाले सारे क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लास्ट तक देखें आप। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें तथा शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं हम फ्यूचर स्किल्स। आज का जो मेरा पूरा टॉपिक है जो ट्रिपल सी का सिलेबस है, ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी, कहने का मतलब फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी का अवलोकन करना। फ्यूचर स्किल एक इंडस्ट्रियल यूटिलिटी है, बिकॉज जो ट्रिपल सी सिलेबस है वो बेसिक कंप्यूटर का कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए इसलिए बनाया गया, इसलिए इस टॉपिक को इसमें जोड़ा गया है कि टेक्नोलॉजीज का क्या यूजेस है उद्योग में। तो उसको समझने के, फ्यूचर स्किल को समझने के लिए आप देखें इसमें मैंने वो फोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दिए हुए हैं जो आपका उद्योग में जो परिवर्तन हुए, जो नए नए उद्योग का आविष्कार हुआ, नए नए टेक्निक्स का आविष्कार हुआ, उसके बारे में उसको डिवाइड किया गया है फोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में। तो उसको आप समझेंगे, इसके माध्यम से ही आप कंप्लीट फ्यूचर स्किल्स को, जो भविष्य में किन स्किल्स का यूज करके उद्योग को बहुत ही बढ़ावा दिया सकता है, भारत स्किल्स के क्षेत्र में नई नई टेक्नोलॉजीज का एक वैश्विक स्तर पे इस काम करेगा भारत, उसके लिए उनको कुछ ऐसी थिंग्स की जरूरत होती है, कुछ ऐसे कौशल की आवश्यकता होगी जिसको हम इसमें चर्चा करेंगे। तो जो फ्यूचर स्किल है उसके अंतर्गत जो उद्योग में जो परिवर्तन हुए हैं उसके बारे में बताया गया, मैंने यहाँ नोट डाउन करके रखा है फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। मैंने बोला ना कि कुल चार ऐसी क्रांतियां हुई उद्योग में, जब कुछ नई चीज आ गई जो उद्योग को बहुत ज्यादा प्रभावित किया तो उसे हम औद्योगिक क्रांति कहा जाने लगा, कि उद्योग का बहुत ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है तो उसको एक औद्योगिक क्रांति नाम दे दिया गया। तो जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है जो 1765 से 1869 तक माना जाता है, मतलब 18वीं शताब्दी से 19वीं सदी शताब्दी तक चला गया, जो प्रथम औद्योगिक क्रांति थी वो यूरोप का उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र में, चूंकि ऐसा था कि ज्यादातर लोग कृषि पर डिपेंड करते थे और वो समाज ग्रामीण समाज था, और तब उसका औद्योगिकरण और शहरीकरण क्या हो रहा था उस टाइम पे, कुछ उद्योग लॉन्च हुए जैसे लोहा कपड़ा उद्योग, लोहा का उद्योग या भाप का इंजन, सबसे बड़ी उपलब्धि थी जेम्स वाट ने भाप का इंजन डेवलप करा था, वो इसी पीरियड में था जो आगे चल के इंडस्ट्री को बहुत ही आगे ले गया, इसलिए इस पीरियड को हम फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं, मतलब प्रथम औद्योगिक क्रांति जो 1765 से 1869 तक माना जाता है। सेकेंड इंडस्ट्रियल, मैं कंप्लीट ट्रिपल सी सिलेबस पे बता रहा हूं इसको, इसलिए इसको बहुत ही केयरफुल देखेंगे, आने वाले एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे अगर इस वीडियो को आप केयरफुली देख लेते हैं। तो सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिसे 2.0 कहा गया, जो 1870 से 1914 तक माना जाता है, बिकॉज 1914 आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार का पीरियड है, 1914 से 1916 तक आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, और उससे पहले बहुत ऐसी चीजें लॉन्च की गई जो बड़े सारे उद्योग पर का विकास हुआ, चूंकि ये जो उद्योग थे ये और विकसित हुए तथा कुछ नई नई टेक्नोलॉजी, कुछ नए नए उद्योग लॉन्च किए गए, जैसे बिजली तेल एवं स्टील का उद्योग ज्यादातर करके चरम पे आया, और उसी टाइम पीरियड में लाइट का बल्ब, बिजली बल्ब बना, टेलीफोन का आविष्कार हुआ, आपका फोनोग्राफ, अंतर्दहन इंजन, ये सारी चीजों का डेवलप आपके सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिसे हम सेकेंड औद्योगिक क्रांति, द्वितीय औद्योगिक क्रांति गए जिसे 2.0 से जाना जाता है, ये 1870 से 1914 तक का जो पीरियड है वो सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहा गया। थर्ड है आपका थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिसे 3.0 कहते हैं, जो 1969 से माना जाता है, बिकॉज 1870 से 1914 तक आपका सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, 1914 के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ जो 2 साल था, उसमें पूरा उद्योग, पूरा विश्व उसमें डिस्टर्ब हो गया, फिर आगे चल के कुछ और सारे आविष्कार हुए, लेकिन 1944 में सेकेंड वर्ल्ड वार हो जाने के नाते सारे देशों को बहुत सारा नुकसान हुआ, चूंकि वर्ल्ड वार युद्ध जो है वो विनाशकारी ही होता है, इसलिए युद्ध आ जाने पर सारी चीजें, अर्थव्यवस्थाएं सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं,
तो हालांकि जो कंप्यूटर आपका बना, कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे डिवाइसेज आए, हमने पिछली वीडियोस में बताया हुआ है, तो जिसने भी पिछली वीडियोस नहीं देखा है, और CCC से रिलेटेड मैं कई सारी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसको आप जरूर देख लेंगे, जिससे आपको CCC की तैयारी करने में आसान रहेगा। और एक बार भी वीडियो देख लेते हैं तो एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा करके आने वाले हैं आप लोग। तो देखें तो इसमें क्या है, 1969 से क्यों मानते हैं, बिकॉज इसके पहले टाइम पर वो एनालॉग टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल टेक्नोलॉजी पर जो कंप्यूटर्स डेवलप किए गए। उसके बाद आपका 1969 में आपका इंटरनेट, आर्पानेट के अंतर्गत इंटरनेट को लॉन्च कर दिया गया। तो कहने का मतलब उसके बाद सब उद्योग में जो परिवर्तन आए, जिस पर टेक्नोलॉजी का विशेष यूज किया गया, उसको ध्यान में रखते हुए जिस टाइम पर सूचना प्रौद्योगिकी के लिए जो इंटरनेट का आविष्कार हुआ, उसी टाइम पीरियड से हमें मानने लगे कि ये हमारी थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। 1969 से थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन माना गया। इसमें लिखा है पर्सनल कंप्यूटर, इंटरनेट एंड सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इट मींस ICT। ICT एक इंपॉर्टेंट फॉर्म है, इसका फुल नेम आपको याद होना चाहिए। ICT का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये आपका, इस टेक्नोलॉजी पर आपका थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो इस टेक्नोलॉजी पर, जो एक सूचना प्रौद्योगिकी पर चल रहा था, जो इंटरनेट, पर्सनल कंप्यूटर, इस तरह की डिवाइसेस का इस्तेमाल करके, इन टाइप की मशीनरीज का इस्तेमाल करके उद्योग में जो बढ़ावा मिल रहा था, उद्योग जो गेन कर रहा था, व्यवसाय बढ़ रहा था, उसलिए इसे थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहा गया। 2015 में एक लेख में पाया गया, उस सैप ने कहा कि अब हम चौथी, चूंकि नई औद्योगिक, जो हम न्यू टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं आज के टाइम पे उद्योग में, अपनी नई टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए अब हम चौथी औद्योगिक क्रांति में हैं। अब हमारे विश्व में चौथी औद्योगिक क्रांति चल रही है। वो 2015 में एक लेख में, विदेशी लेख में मिला, तो वो है आपका फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसे 4.0 कहा गया। इसमें आपका IT एंड ITs का विस्तार किया गया, और इसमें न्यू टेक्नोलॉजीज का यूज, जैसे सेंसर मशीनें हैं या रोबोटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब टाइप के डिवाइसेस का इस्तेमाल करके, इन सब नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके, अपने जो भी चल रहा है और फ्यूचर में इन सारे कुछ ऐसे कौशल्स हैं जिनका इस्तेमाल करके उद्योग को बहुत आगे ले जाया जा सकता है। फ्यूचर स्किल्स के अंतर्गत जो 9 स्किल्स हैं, जिस पर आपका कंप्लीटली उद्योग डिपेंड कर रहा है, जो आपके उद्योग को बढ़ाने में या वैश्विक उद्योग को बढ़ावा देने में वो स्किल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस पर कंप्लीट उद्योग डिपेंड करने लगा है, वो कुल ऐसी 9 स्किल्स हैं, 9 थिंग्स हैं जिस पर कंप्लीटली डिपेंड करता है। जिसमें फर्स्ट आपका IoT। IoT को इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहा जाता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब ये है कि आज के टाइम में जो पर्सनल यूज में या रोजमर्रा के जो यूज में इंटरनेट कनेक्टिविटी से रिलेटेड जो डिवाइसेस अवेलेबल हैं, जिन पर कंप्लीट आपका पर्सनल यूजेस या जो भी आपका कंप्लीट वर्क डिपेंड करता है, आपका जो उद्योग डिपेंड करता है, बिकॉज आज के उद्योग में इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो इंटरनेट से रिलेटेड अटैच्ड है, बहुत सारी डिवाइसेज हैं जो उद्योग को बहुत आगे ले जा रही है। तो इसके कुल 4 पार्ट है, जैसे एक आपका कंज्यूमर है, एक आपका कॉमर्शियल है, एक आपका इंडस्ट्रियल है, और एक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है। तो ये 4 ऐसे इसके पार्ट हैं, बनाए गए हैं IoT के, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के, जिस जो आपके कंप्लीट उद्योग को, कंज्यूमर को, कमर्शियल सेक्टर को, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रीज को काफी उच्च स्तर पर ले जा रहे हैं, और उनका इनका उपयोग करके, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का उपयोग करके व्यापार को बहुत ही आगे बढ़ा लेके जाया जा सकता है। बिकॉज ये आपके सारे काम को आसान कर देते हैं, इनके माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी का सारा काम आसान हो जाता है, कोई भी काम हम जल्दी कर ले जाते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स को बस इतना एक शब्द में आप समझे कि वो डिवाइसेज जो इंटरनेट कनेक्टिविटी से चलती हैं, और वो आपके उद्योग को आगे बढ़ाने में उनका एक मेन रोल प्ले करती हैं, वो डिवाइसेज आपकी इंटरनेट ऑफ थिंग्स कही जाती हैं, जो आपके कंज्यूमर सेक्टर को, कॉमर्शियल सेक्टर को, इंडस्ट्रियल सेक्टर को एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को, सबको प्रभावित करती हैं ये डिवाइसेज। नेक्स्ट हम देखते हैं बिग डेटा एनालिटिक्स। बिग डेटा एनालिटिक्स का सेंस आपके डेटा से है, और इसमें हम क्या करते हैं, इसको आप इस तरह से एक सरल भाषा में आप समझें कि जो हम अलग अलग स्रोतों से बल्क में अनस्ट्रक्चर्ड रॉ डेटा उठाते हैं, फिर उसमें से अपने काम का डेटा निकाल करके अपने उद्योग के को बढ़ाने में उस डेटा का इस्तेमाल करते हैं, वो आपका बिग डेटा एनालिटिक्स कहा जाता है। कहने का मतलब, चाहे हम
ईमेल से या फ्लिपकार्ट से या फेसबुक से या ऐसी जगहों से डेटा को उठा लेते हैं बल्क में, फिर हम अपने उसमें से कस्टमर्स को अपने डील करते हैं या अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए अपना एडवर्टीजमेंट करते हैं। आप देखते हैं आज के टाइम पे आपके पास ऐसी ऐसी कॉल्स आती हैं जिसका आपको कभी भी ये नहीं होता कि आप कभी सोच भी नहीं सकते कि वो कॉल्स कैसे आ रही हैं। बहुत सारे एडवर्टीजमेंट की कॉल्स आती हैं आपके पास, बहुत सारी कंपनियों के कॉल आते हैं, एजुकेशन सेक्टर से कॉल आते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से कॉल आते हैं, इंश्योरेंस कंपनियों से कॉल आते हैं। ये सब कहां से होता है? ये आपका एक बल्क में डेटा उठा लेते हैं और फिर उसमें अपने काम का डेटा निकालते हैं और अपना एडवर्टीजमेंट करते हैं, अपने उद्योग के बारे में बताते हैं, अपने प्रोजेक्ट को समझाते हैं जिससे आप उनके प्रोजेक्ट को खरीदें, उनके आइटम्स को खरीदें। कहने का मतलब फिर डेटा को संग्रहित करके उसमें से अपने काम के डेटा को छांट करके आपके पास कॉलिंग करते हैं, या जैसे आप कहीं शॉपिंग कर रहे हो अमेजोन पे है, फ्लिपकार्ट पे है, स्नैपडील, कहीं भी आप शॉपिंग करने के लिए जाइए और अगर आपने कोई भी एक प्रोडक्ट चेक कर लिया तो वो प्रोडक्ट आपके सोशल मीडिया पर आपसे रिलेटेड जितनी भी इंटरनेट कनेक्टिविटी से आप जितने भी काम कर रहे हैं उन सारी जगहों पर उसका एडवर्टीजमेंट दिखाई देने लगता है। तो ये कैसे होता है? ये बिग डेटा एनालिटिक्स है, वो रस डेटा उठा लेते हैं, फिर आपके पास कॉलिंग करते हैं, आपके पास एडवर्टीजमेंट के लिए आपके पास मैसेजेस आते हैं, आपके पास मेल्स आती हैं, ईमेल के माध्यम से आप तक अपने उद्योग के बारे में बताती है, समझाती है, जिससे उसके यूजर्स बढ़ते हैं और व्यापार को लाभ होता है। तो कहीं ना कहीं उद्योग में बिग डेटा एनालिटिक्स का ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। आप समझ गए होंगे बिग डेटा एनालिटिक्स क्या है। अब हम नेक्स्ट पर आते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी। क्लाउड कंप्यूटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है बिकॉज क्लाउड मतलब होता है इंटरनेट। क्लाउड जैसे आप क्लाउड का अगर एग्जांपल आप देखें, क्लाउड मतलब बादल होता है, और अगर हम कहीं इंटरनेट को व्यक्त करते हैं या कहीं, चूंकि इंटरनेट जो है एक ग्रेट नेटवर्क है, नेटवर्कों का नेटवर्क है, पूरे एटमॉस्फेयर में फैला हुआ है। एक सरल भाषा में आप इसको समझें तो कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क लगता है, जो हार्ड ड्राइव होता है, उसमें स्टोरेज ना दे करके हम स्टोरेज नेटवर्क पर देते हैं, इंटरनेट पर अपने नेटवर्क देते हैं, वो आपका क्लाउड कंप्यूटिंग कहा जाता है। इट मीन्स जो हम मेल हमारा होता है, गूगल ड्राइव होता है, ईमेल्स होते हैं, और आपका कस्टमर रिलेशनशिप होता है, इन सब सारी चीजें लगभग आपके क्लाउड्स पर ही हैंडल होती हैं। जो आप कोई भी काम करते हैं और उसको जब तक आपने डिवाइस में डाउनलोड नहीं कर लेते हैं तब तक का जो स्टोरेज यूज होता है वो क्लाउड पर काम होता है। जैसे डिजिटल लॉकर एक बहुत ही सटीक एग्जांपल है। डिजिटल लॉकर आपको 1 GB स्पेस प्रोवाइड करता है। डिजिटल लॉकर के माध्यम से आप 1 GB डेटा तक स्टोर कर सकते हैं। उसमें वो कहां स्टोर होता है? वो आपके क्लाउड पर स्टोर होता है, मतलब आपका नेट स्टोरेज है, इंटरनेट पर वो स्टोर होता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग जो है आपका, जैसे मैंने क्लाउड बनाया, इसमें हमने लिख दिया इंटरनेट या जो भी, इंटरनेट पर ही स्टोर होता है। इससे आपका मोबाइल डिवाइस भी कनेक्टेड है, आपका कोई भी कंप्यूटर डिवाइस भी इससे कनेक्टेड है, आपका टैबलेट भी इससे कनेक्टेड है। तो इस तरह से बहुत टाइप की डिवाइसेस सब का जो स्टोरेज जो इंटरनेट पर आपके इंटरनल एक्सटर्नल मेमोरी के बजाय जो स्टोरेज दिया जाता है वो आपके नेटवर्क पर स्टोरेज होता है, उसे हम क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग को जो क्लाउड्स पर हम स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं उसके कुल 3 तरीके से डेटा को क्लाउड्स पर संग्रहित किया जाता है। एक आपका है, फर्स्ट आपका है प्राइवेट क्लाउड। फर्स्ट है प्राइवेट क्लाउड, सेकंड है आपका पब्लिक क्लाउड, और थर्ड है आपका हाइब्रिड क्लाउड। 3 टाइप क्लाउड्स होते हैं जिस पर आप डेटा को संग्रहित करते हैं। फर्स्ट वो होता है जो पर्सनल, जो बिजनेस के लिए अपना प्राइवेट क्लाउड होता है, जो अपने सर्वर के थ्रू काम करते हैं और वो प्राइवेट क्लाउड बोला जाता है, जो पर्सनल यूज करने के लिए होता है। जैसे VPN है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, कोई भी वर्क कर रहा है तो अपने सर्वर से रिलेटेड जो डेटा स्टोर करते हैं वो आपका प्राइवेट क्लाउड कहा जाता है। और पब्लिक जो होता है, जो थर्ड पार्टी के लिए जो स्टोरेज प्रदान होता है इंटरनेट पर, उसे हम पब्लिक क्लाउड कहते हैं। और जहां पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों टाइप के स्टोरेज जहां पर दिए जाते हैं उसे हम हाइब्रिड क्लाउड कहते हैं। तो कहने का मतलब इंटरनेट स्टोरेज जहां भी दिया जाता है वो सब क्लाउड कंप्यूटिंग के अंतर्गत आता है। और इंटरनेट पर काम करते टाइम पे जब तक डेटा को आप डाउनलोड नहीं करते हैं, किसी भी फाइल को डाउनलोड नहीं करते हैं, तब तक वो सारा चीज क्लाउड पर ही रहता है। क्लाउड कंप्यूटिंग के अंतर्गत 3 सर्विस मॉडल्स हैं। फर्स्ट को हम बोलते हैं आस, सेकेंड को हम बोलते हैं पास, एंड थर्ड को हम बोलते हैं सास।
आस पास एंड सास, ये तीन क्या है? एक है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, मतलब सर्विस के थ्री मॉडल हैं। एक है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, एक आपका प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और एक है आपका सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो ये थ्री सर्विस मॉडल हैं, आस पास एंड सास, एग्जामिनेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में ये जरूर आता है। आप देखिए नेक्स्ट है आपका वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंस है उद्योग में, इंडस्ट्री में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। बिकॉज वर्चुअल मतलब बिना हम रहे आभास करके, जहां हम आभासी वर्क करते हैं, वैसे तो देखा जाए तो वर्चुअल रियलिटी का एक सबसे सटीक लुक, जैसे गेमिंग वगैरह है, गेम आप खेलते हैं वो एक वर्चुअल रियलिटी के तहत काम होता है, जैसे पबजी है या फ्री फायर है, इस टाइप के गेम्स आप खेलते हैं तो अपने प्लेयर का चुनाव करते हैं, फिर उसको आप मैगजीन या जो भी गन्स वगैरह देते हैं, फिर उसके बाद अपने इनमीज को मारते हैं, इस टाइप का जो गेम वगैरह खेलते हैं हम, तो वो भी एक वर्चुअल रियलिटी का एक प्राय है। तथा वर्चुअल रियलिटी का उद्योग में बहुत ज्यादा यूज है। आज के टाइम में जो दूरस्थ सर्जरी होती है मेडिकल डिपार्टमेंट में, इसका बहुत यूज है। आप यहाँ है विदेश के डॉक्टर से आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे रह करके एक एमएस अच्छे से अच्छी सर्जरी कर सकता है, वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी ही आज ऑगमेंटेड रियलिटी जो है वो एआर जिसे हम कहते हैं वीआर एंड एआर, वीआर को हम बोलते हैं वर्चुअल रियलिटी एंड एआर को हम बोलते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी का प्रयाग हो गया है वर्चुअल रियलिटी, बिकॉज ऑगमेंटेड जो लाइव कैमरे होते हैं जिसको आप अपने मोबाइल पर, अपने टैबलेट पर, अपने हैंडसेट पर आप कहीं भी रह करके देख सकते हैं, उससे क्या होता है कि आपका प्रोडक्शन गेन होता है और आपके व्यापार में कोई भी इम्प्लॉई किसी भी काम को इग्नोर नहीं करता है, उसको हमेशा ये लगा रहता है कि हम अपने अधिकारी के नजर में है। इससे क्राइम वगैरह पर भी बहुत कंट्रोल किया जाता है। और जो लाइव कैमरे होते हैं उनके माध्यम से 3D इमेज आप प्राप्त कर सकते हैं और आप देख सकते हैं, आप वहां ऑफिस में आपने कंपनी में ना रहते हुए भी अपने कंपनी की पूरी कंट्रोलिंग कर सकते हैं। इसलिए उद्योग को बहुत ज्यादा फायदा है इस टेक्नोलॉजी से, जिसे हम वर्चुअल रियलिटी कहते हैं। इस तरह से उद्योग में इसका बहुत काफी ज्यादा रोल है। नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो आविष्कारक थे जिसे जॉन मैकार्थी कहा गया, उन्होंने इसको बुद्धिमान मशीन कहा है। बुद्धिमान मशीन का मतलब ये हो गया कि ये व्यक्ति आदमी की तरह से काम करता है, इसके अंदर एक कृत्रिम दिमाग होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब बनावटी दिमाग, बनावटी बुद्धिमत्ता जो है वो आदमी की तरह काम करने योग्य मशीनरी को बना दिया है, जिससे रोबोटिक्स आ गया, आपका रोबोट वगैरह जो है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ही एग्जाम्पल है। कहने का मतलब ये एक व्यक्ति की तरह से काम कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो हम कृत्रिम दिमाग डाल देते हैं, जिससे उद्योग को बड़े सुचारू ढंग से, बड़ी शुद्धता से, बिना किसी त्रुटि के लगातार निरंतर वो कर सकता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत भी इंपॉर्टेंट है, जो उद्योग में इसका बहुत ज्यादा रोल है। नेक्स्ट हम देखते हैं सोशल एंड मोबाइल। सोशल एंड मोबाइल क्या है? सोशल नेटवर्क आप समझते हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, हैंगआउट है, टेलीग्राम है, इस तरह से बहुत सारे ऐसे सोशल नेटवर्क है जिनके माध्यम से कंपनियां क्या करती हैं, अपना एडवर्टीजमेंट करती हैं और अच्छे तरीके से अपने व्यापार को मैनेज कर सकते हैं सोशल मीडिया एंड मोबाइल्स की मदद से। इसका उपयोग सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया आज कितना एक्टिव है, कितने काम को करता है। सोशल मीडिया से कोई भी डेटा का संचार बहुत आसानी से हो जाता है, बहुत सारे लोगों तक आपकी सूचनाएं पहुंच जाती हैं कुछ सेकेंड्स में। और मोबाइल तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो उद्योग में आज के टाइम पे उद्योग का ज्यादा से ज्यादा काम, व्यापार की मैक्सिमम हैंडलिंग मोबाइल के थ्रू जो कस्टमर डीलिंग है या इस टाइप का जो भी वर्क है वो मोबाइल एंड सोशल मीडिया के माध्यम से किया जाता है। तो इंडस्ट्री में सोशल एंड मोबाइल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज इससे हम डेटा को साझा कर सकते हैं, हम अपने प्रोडक्शन को गेन करा सकते हैं, हम ऑर्डर्स बुक कर सकते हैं, हम इस टाइप के बहुत सारे वर्क कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट करने का भी बहुत बड़ा माध्यम है, बिकॉज अगर हमने हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट, जैसे मेरे पास एक पेन लॉन्च हुआ तो हम इस पेन का एक ग्राफिक्स लेकर के और इसकी जितने भी इसके एडवांटेज, इसकी क्वालिटी, इसके बारे में लिख करके हम सोशल मीडिया पर प्रसिद्ध कर दें तो कुछ ही समय में हमारे प्रोडक्ट को बहुत लोग जान जाएंगे। इस तरह से ये उद्योग को बढ़ाने में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो सोशल एंड मोबाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मशीनरीज है। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन को अगर हम समझें, ब्लॉकचेन एक अस्थिर डिजिटल बही खाता कहा जाता है, जो
कि केवल रिकॉर्ड को ही नहीं व्यवस्थित करता है इस तथा इसके बारे में सूचनाएं भी प्रदान करने का काम आपका ब्लॉकचेन करता है। ब्लॉकचेन के अंतर्गत शेयर मार्केट, लॉटरीज या इस तरह की जो भी ट्रेडिंग्स वगैरह जो शेयर ट्रेडिंग की जाती है, जो आपके शेयर्स जो डिजिटल क्रिप्टो करेंसीज होती हैं, क्रिप्टो करेंसी से बिटकॉइन है, टीसीसी चैम क्वाइन, इस टाइप की जो क्वाइंस है, जो डिजिटल क्वाइंस है, उन सबको व्यवस्थित करना तथा शेयर मार्केट में जो शेयर ट्रेडिंग की जाती है उसको व्यवस्थित करने का एक डिजिटल बही है, जो एक अस्थिर डिजिटल बही कहा जाता है इसको। तो नेक्स्ट हम देखते हैं 3D प्रिंटिंग और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। 3D प्रिंटिंग का मतलब है थ्री डायमेंशनल प्रिंटिंग जो होती है उसे हम 3D प्रिंटिंग कहते हैं। जो कंप्यूटर में कैड जिसे हम कहते हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइन, वो 3D पर डिपेंड करता है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन पढ़ने के लिए जैसे एक प्रोग्राम है ऑटोकैड, ऑटोकैड के अंतर्गत हम लोग कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कैड एक इम्पोर्टेंट है इसमें, कैड का पूरा नाम आपको जानना जरूरी है। कैड मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन जो है वो 3D प्रिंटिंग के अंतर्गत है। इसके द्वारा हम कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी आइटम की जो प्रिंट जो उसका प्रिंट करते हैं वो 3D प्रिंट होता है, जिससे उसके हर पहलू को देखा और समझा जा सकता है। 3D प्रिंटिंग के माध्यम से हम 3D प्रिंटिंग करते हैं, जो इस तरह के जो गहने बनते हैं, खिलौने बनते हैं, या लैमिनेशन किया जाता है, या कोई ऐसे डिजाइन जहां 3D में डिजाइन किया जाता है जिसे हम कैड कह सकते हैं, कंप्यूटर एडेड डिजाइन कहते हैं, वो 3D प्रिंटिंग के अंतर्गत आती है, जो इंडस्ट्री को काफी ज्यादा यूजफुल है इंडस्ट्री के लिए और इंडस्ट्री को गेन कराने के लिए तथा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में इसका बहुत ही ज्यादा यूज है। बिकॉज एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 3D प्रिंटिंग का एक पर्याय होता चला जा रहा है, क्योंकि जो गहने पर डिजाइन होता है, कपड़े पर डिजाइन होता है, या खिलौने बनते हैं, ये सब आपके एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत आते हैं, जो कहीं ना कहीं 3D प्रिंट के तरीके से होते हैं। उसी तरह से हम कंप्यूटर से जो प्रोग्राम बनाते हैं या प्रिंट करते हैं जिसे हम कंप्यूटर एडेड डिजाइन कहते हैं, कैड का वर्क जो होता है वो 3D फॉर्मेट में ही किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं आरपीए। आरपीए का मतलब होता है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। रोबोटिक प्रोसेस क्या है? जो ऑटोमेटिक हो, जो स्वचालित हो, जैसे कोई व्यक्ति का जो काम होता है, जैसे अभी मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपको बताया कि जो एक व्यक्ति की तरह से, एक आदमी की तरीके से काम करता है, वो आपका रोबोटिक प्रोसेस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके अंतर्गत होता है। कहने का मतलब आज के टाइम में मशीन मशीन को चला रही है, मशीन मशीन को बना रही है, उस प्रोसेस को हम रोबोटिक्स प्रोसेस कहते हैं। कहने का मतलब जहां हम कई सारे वर्कर्स की जरूरत होगी, वहां अगर हम रोबोट यूज करेंगे तो कुछ रोबोट से मेरा काम हो जाएगा। विदेशी कंपनियों में, बड़े बड़े फर्म में रोबोट का इस्तेमाल किया जाता है। रोबोट आज एक सर्वेंट की तरह से काम कर रहा है, और रोबोट क्या करता है, उसमें सबसे बड़ी चीज, यदि आपके व्यापार में कुछ बड़े चेंजेस भी हो जाते हैं, तो यदि आप रोबोटिक प्रोसेस यूज कर रहे हैं तो आपको एक प्रोग्राम केवल चेंज करना रहेगा, और फिर वो निरंतर बिना रुके, बिना थके, लगातार कोई बिना त्रुटि किए वो लगातार काम को करता रहता है और शुद्ध परिणाम वो प्रदान करता है। बट कोई व्यक्ति है तो उसके लिए अगर कोई भी चेंजेस होते हैं तो उसको बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है, उसके लिए ट्रेनिंग देनी पड़ती है, तो उससे बहुत समय का नुकसान, व्यापार के लिए वो काफी नुकसान है। इसलिए अगर रोबोटिक प्रोसेस हम यूज कर रहे हैं, रोबोटिक प्रोसेस का एक ही सेंस है कि वो मशीन जो होती है वो मशीन को चलाती है, मशीन मशीन को बनाती है। ऐसे बहुत सारे मशीनी वर्क है जो आप समझ सकते हैं, जिन्हें हम रोबोटिक प्रोसेस कहते हैं। तो ये टॉपिक जो है आपका, ये सारे जो 9 थिंग्स ऐसे हैं वो आपके इंडस्ट्री को बहुत ही प्रभावित करते हैं। तो ये है आपका वो 9 थिंग्स जिस पर आपका 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, इंडस्ट्री 4.0 जिसे हम कहते हैं, वो इन 9 थिंग्स पर काम कर रहा है, और आगे भविष्य में ये स्किल्स व्यापार के लिए बहुत ही यूजफुल होंगी, और इन स्किल्स से व्यापार आगे, बहुत उद्योग बहुत आगे जाएगा। तो आपने देखा ये कंप्लीट, मैंने जो 9 थिंग्स बताए आपके इंडस्ट्री को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, इंडस्ट्री में इनका क्या रोल है। तो मैं आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर इसको आप ध्यान से देख करके पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको फ्यूचर स्किल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन CCC में आएंगे उसको आप बड़े आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, तथा यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें। बिकॉज हमारे इस चैनल पर आपको कंप्यूटर के से रिलेटेड बहुत टाइप के कोर्सेज के वीडियोस प्राप्त होंगे, जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होंगे। तो बस आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। अगली क्लास मेरी साइबर सिक्योरिटी पर होगी, तो उसको जरूर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।